गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नावली 11 पार्ट का 13 से शुरू करेंगे। 12th क्लास का बिंदु इतना से जाने वाले तथा कह रहा है कि समतलों इतना और इतना में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, पहले नंबर तो एक बिंदु से जाने वाले, मान लीजिए x1 y1 z1, इतना से जाने वाले तल का समीकरण क्या होता है वो जान लीजिए। तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका x1, y1, z1 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इस फॉर्मूले में बैठाना है। तो इतना से होकर जाने वाले तल का समीकरण आपका क्या हो जाएगा। देखिए x1 y1 z1 जगह पर हम डायरेक्टली मान रखते जा रहे हैं। देखिए a इंटू एक्स माइनस, ये माइनस वन रखाएगा x1 की जगह पर तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 की जगह पर 3, यहाँ पर रखाएगा ये 3। देखिए यहाँ y1 x1 था ना, इसका मान z1 का, प्लस c इंटू जेड माइनस z1 का वैल्यू 2 इक्वल टू 0। अब यह जो समीकरण है कल का, यह कह रहा है कि इतना प्रलंब है और इतना प्रलंब है। तो पहले हम इसके साथ आते हैं, यह है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 और 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। दोनों पर लंब है। जब ये दोनों पर लंब है तो लंब के लिए हम लोग पढ़े थे, लंब के लिए हम लोगों ने पढ़ा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यहां ध्यान दीजिए, इस पर जब हम बात करेंगे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस a आएगा, by माइनस 3b हो जाएगा, cz माइनस 2c हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि x के साथ में क्या लगा, a, यहाँ पर क्या लगा है 1, यहाँ क्या लगा है 1। तो आपको a1 a2 ध्यान दीजिए, अब इस पर बात कर रहे हैं तब इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान a है और यहाँ पर a2 का मान 1 है, तो a मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए by गुना हुआ तो b रहेगा y के साथ, इसमें एक साथ 2 है, तो ये b1 हो गया और ये b2 हो गया। तो b मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब ध्यान दें c z गुना होगा तो z के साथ में c लगा है तो c1 हो गया और z के साथ 3 लगा थी क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। इस पर रखते जा रहे हैं तो आपका c मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये इसके साथ हुआ एवं यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसके साथ आइएगा तो उस तरफ से यहाँ 3 लगा है, इसमें ये लगा है तो a मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ b इसमें 3 प्लस c और यहाँ 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर करके a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 और ये जो आपका समीकरण आ गया 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम लोग वृद्धिकरण विधि से पढ़े थे ये abc का मान निकालने के लिए, याद है ना a अपॉन, चलिए इसको सीधा लिख दे रहा ताकि आपको समझ में आएगा। मान लीजिए पहले इसको और इसको साथ में लिख रहे हैं और अच्छा समझ में आएगा, 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। जब a का काम करना होता है तो a अपॉन ये कैंसिल होता है ना, ये कैंसिल होता है, तो इसके बाद में 2 मल्टीप्लाई यहाँ 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3,
इक्वल टू बी अपॉन, अब ये खत्म। आप देखिए तो पहले ऐसे चला था, आपसे लगा ऐसे, तो तीन गुने तीन माइनस वन गुने वन इक्वल टू सी अपॉन, अब इसके लिए काम हो रहा है। तो पहले चला था ऐसे, फिर ऐसे, अब तक फिर चलेगा ऐसे, तो वन मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि a अपॉन टू में से नाइन गया माइनस सेवन, b अपॉन माइनस सेवन गया एट, c अपॉन थ्री में से सिक्स गया माइनस थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेमडा मान लेंगे, माना लेमडा माना। अब यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू माइनस सेवन लेमडा, b इक्वल टू एट लेमडा, c इक्वल टू माइनस थ्री लेमडा। अब ये क्या करना होता है कि ये जो आपका इसको मान लीजिए वन, वन में ए बी सी का मान रखने पर, वन में ए बी और सी का मान रखने पर, तो ए बी सी का मान रखना है तब रखिए एक जगह पर माइनस सेवन लेमडा इंटू एक्स प्लस वन, देखिए यहाँ एक मान वैल्यू है माइनस सेवन लेमडा, प्लस बी के जगह पर कितना है एट लेमडा वाई माइनस थ्री, प्लस सी के जगह पर कितना है माइनस थ्री लेमडा, इसके जगह पर रखेंगे माइनस थ्री लेमडा इंटू जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए गौर से कि सब में लेमडा दिखाई दे रहा है, इसमें भी लेमडा है, इसमें भी लेमडा है, इसमें भी लेमडा है, लेमडा को निकाल कर बाहर कर दे रहे हैं। अब चलिए इसको गुना कीजिए, माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एट वाई माइनस ट्वेंटी फोर, इसको गुना कीजिए माइनस थ्री जेड और ये प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, लेमडा बाहर निकल गया था तो ये बात ले सकते हैं। अब चलिए माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई माइनस थ्री जेड, अब इन तीनों को हल किया जाए तो माइनस सात प्लस छः माइनस वन हो गया माइनस वन एंड माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो अपॉन लेमडा जीरो। अब सब में से माइनस कमा ले लीजिएगा, तो लेने के बाद सेवन एक्स माइनस एट वाई प्लस थ्री जेड और प्लस ट्वेंटी फाइव, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कमा लिया है, माइनस को ले जाइए तो माइनस जीरो यानी कि जीरो, यही हमारा आंसर हो गया। इन इंग्लिश मीडियम 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस वन थ्री कॉमा टू, माइनस वन थ्री कॉमा टू। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1, z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. On the basis of this formula, we can write here the equation of plane passing through a point minus 1 comma 3 comma 2 is so, because we see here a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. Here put the value of x1 equal to minus 1, so we get plus 1. Put the value of y1, so we get here b into y minus 3 plus c. Put the value of z1 is equal to 2, so we get c into z minus 2 is equal to 0. Next we say and perpendicular to each of the planes, so and so, so and so,
it is perpendicular on x plus 2y plus 3z is equal to 5 and 3x plus 3y plus z is equal to 0. We know that for two lines or plane as a perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. Then we can write here the value of a1 is equal to a, a2 is equal to 1, b1 is equal to b, b2 is equal to 2, c1 is equal to c, c2 is equal to 3. So you can write here so is equal to 0. It means so is equal to 0 for this equation and this equation. We can write on the basis of this formula a multiply 3 plus b multiply 3 plus c multiply 1 is equal to 0. And we get after solving 3a plus 3b plus 3 plus c is equal to 0. We are just a same palace, so equation and so equation. After that, by cross multiplication method, we can write here so is equal to so is equal to so, so is equal to so is equal to so is equal to lambda let. Then we get a is equal to minus 7 lambda, b is equal to 8 lambda, c is equal to minus 3 lambda. Putting the value of a, b and c in 1, then we get 7x minus 8y plus 3z plus 25 is equal to 0. This is our answer. आइए हम लोग 14 नंबर पर विचार करते हैं। यदि बिंदु दिया है इतना और इतना, समतल इतना से समान दूरी पर स्थित हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर तो हम लोग R वेक्टर का मतलब पढ़ लिए थे, क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस 12 के कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़ लिए थे कि i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, यहाँ x और 3 है तो क्या होगा 3x, फिर 4 इधर y है, फिर 12 इधर z है और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ लिए थे दूरी निकालने वाला, जैसे मान लीजिए इसका प्लेन है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 रहता था और कोई यहाँ से बिंदु दिया हो x1, y1, z1, इसकी जो दूरी होती थी यहाँ से ये दूरी, ये यहाँ से लेकर मान लीजिए O नाम दिया जाए और ये OA जो दूरी होती थी वो दूरी का फॉर्मूला होता था OA इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टोटल का मोड होता था। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहले नंबर कि इसका इससे दूरी या फिर इसका इससे दूरी निकालेंगे इस फॉर्मूला पर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और दोनों तो कह रहा है कि जो दूरी है वो बराबर है। यदि हम इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ए और इस समतल के लिए दे रहे हैं मान लीजिए जहाँ भी टच करें वहाँ पर हम दे रहे हैं प्लेन दे रहे हैं मान लीजिए पी, तो ओ पी और ए पी दोनों क्या है वो बराबर दिया हुआ है, प्रश्न से दे दिया है बराबर दूरी पर है। तो प्रश्न से ओ पी इज इक्वल टू ए पी, आप देखिए इस फॉर्मूले पर बैठाया जाए तो इसमें आप यहाँ पर ये क्या है ये एक्स वन वाई वन जेड वन इसे बैठाइए तो थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस फोर मल्टीप्लाई वन माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई पी प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर एक जगह पर क्या है थ्री, बी की जगह पर फोर, सी की जगह पर माइनस 12,
थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर टोटल का मोड होता है इज इक्वल टू, अब एपी निकाल रहे हैं तो एपी के लिए क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए, सेम फॉर्मूला। अब ये एक्स वन वाई वन जेड वन हो जाएगा, अब इस पर रखिए थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई जीरो माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई वन प्लस थर्टीन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व स्क्वायर। अब इसको हल किया जाए तो देखो ये चार तीन सात सात तेरह ये बीस हो गया, बीस माइनस बारह बी बटा में ये नौ सोलह पच्चीस और पच्चीस आइए हो गया एक सौ चवालीस, एक सौ चवालीस पच्चीस एक सौ उनहत्तर, एक सौ उनहत्तर का वर्गमूल तेरह, ये आपका मोड हो गया बराबर में। अब देखिए माइनस ये नौ ये तो जीरो खत्म, माइनस नौ आइए तेरह है, तेरह में से बारह गया एक एक माइनस नौ यानी कि माइनस आठ, और बट्टा में आपका ये सबका मोड भी है ध्यान दीजिएगा, और इसका भी आपने यहाँ पर बनाया है कितना आया था तेरह। अब इस तरह से बीस माइनस बारह पी बटा में तेरह बराबर मोड में से निकलेगा, ये संख्या खुद दिया हुआ पहले से यानी कि आठ बटा तेरह, जब ये मोड उसे जाता है तो क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो इतना बराबर प्लस माइनस आठ बटा में तेरह। अब क्या करना है एक बार प्लस वाले को एक बार माइनस वाले को ले लीजिए, यहाँ पर तो 20 माइनस बारह पी बटा में 13 इज इक्वल टू आठ बटा में 13, एक बार लिया जाएगा 20 माइनस बारह पी बटा में 13 बराबर माइनस आठ बटा में 13, तेरह तेरह क्लास हो जाएगा 20, इधर आएगा तो 20 माइनस आठ इधर जाएगा तो 12 पी, ये घटेगा तो आपका हो गया 12 बराबर 12 पी भागा में आएगा तो कट करके वन यानी कि पी इज इक्वल टू वन, यहाँ ये तेरह कैंसिल इधर लगेगा तो 20 प्लस आठ आई माइनस 12 पी जाएगा तो प्लस 12 पी, ये 28 बटा में 12 गुना भागा में पी, इसीलिए पी इज इक्वल टू हटा दीजिए 28 जतियाई 12। इस तरह से आपका आंसर एगो ये हो गया और एक आंसर ये, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा हल हो गया। इंग्लिश मीडियम 14 नंबर क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स सो एंड सो बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट। We know that if a plane has a x plus by plus z plus d equal to 0 and other point O is given x1, y1, z1, then distance from points as a plane OA is equal to ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus z square plus a square mod of, so from question first of all we assume that this point as a O, this point as a A. From question question OP is equal to AP, OP is equal to AP. We can write so on the formula of OA is equal to mod of so. So is equal to AP is equal to so. After solving, we get P is equal to 1 and P is equal to 7 by 3. This is our answers.